अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ नया, बावर्ची स्टाइल चीज चिकन ब्रेड। आधा किलो चिकन ले ली थी मैंने बोनलेस, उसे मैंने पीस ली हूँ मिक्सी में। अगर आपके पास कीमा रहेगा चिकन का तो वो ले ले। और चिकन को हमें बॉईल करना है। आधा कप पानी ऐड करूँगी और चिकन को बॉईल कर लूँगी मैं। और इसमें हमें कुछ मसाले ऐड नहीं करना है, चिकन को खाली बॉईल कर लेना है। कीमा हमारा बॉईल हो चुका है, अभी मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी और यही कढ़ाई में फिर हम मसाला बनाएंगे। वही कढ़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच तेल ले लूं और एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट अच्छे से मैं भून लूंगी एक से डेढ़ मिनट। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, अभी मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। कीमे को अच्छे से एक मिनट भूनूंगी मैं। कुछ मसाले ले लियो मैंने, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच चिकन मसाला पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच कसूरी मेथी नमक टेस्ट के हिसाब से और आधा चम्मच हल्दी, वो हम कीमे में ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों को मैं कीमे में ऐड कर लूँगी और अच्छे से भून लूँगी मसालों को मैं। एक से दो मिनट अच्छे से हमें भूनना है। पूरा पानी हमें कीमे का सुखा लेना है। कीमा अच्छा मसालों में भून चुका है, अभी मैं ये दो प्लेटों में आधा आधा पार्ट कर लूंगी, दो प्लेट में अलग अलग निकाल लूंगी मैं। मैंने कीमा आधा आधा कर ली हूँ, आधा किलो कीमा ली थी मैंने तो पाव पाव किलो कीमा मैंने अलग कर ली हूँ। अभी मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, दो बड़े चम्मच जितना मैं मेयोनीज डालूंगी इसमें और दो चम्मच के जितना ही इसमें डालूंगी। अभी मैं क्रीम डालूंगी, दो से तीन चम्मच क्रीम इसमें और दो से तीन चम्मच क्रीम इसमें डालूंगी मैं। और एक में हमें रेड फूड कलर ऐड करना है और एक में हमें ग्रीन फूड कलर ऐड करना है। और हरा धनिया ऐड करेंगे दोनों में। और अच्छे से हम मिला लेंगे। अच्छे से दोनों को मिलाना है हमें। दोनों कलर का कीमा तैयार है, दोनों फिलिंग ग्रीन भी और रेड भी। अभी हम इसे ब्रेड में रख के ब्रेड बनाएंगे। ब्रेड क्रम को हम कलर कर लेंगे। फूड कलर आधे में हम ग्रीन डालेंगे और आधे में हम रेड कलर ऐड करेंगे और दोनों को अच्छा मिला लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें दोनों कलर मिक्स कर लेना है ब्रेड क्रम में। ब्रेड की कोटिंग के लिए मैंने एक कटोरी मैदा ली हूँ,
इसमें थोड़ा सी नमक ऐड करूंगी और इसका एक घोल बना लूंगी पतला। इस तरह से हमें पतला घोल बना लेना है। मैंने ब्रेड ले ली हूँ और ब्रेड की चारों तरफ से कटिंग कर ली हूँ। अभी हम भरेंगे चिकन कीमा भरेंगे, तो हमें दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा भरना है इस तरह से। चारों में ऐसे ही भर लेंगे हम। अभी हम चीज ऐड करेंगे उस पे थोड़ा थोड़ा। और इस पे हम ऐसे इसी तरह से हम पैक कर देंगे। अभी जो हमने मैदे का घोल बना के रखे थे उसमें और ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। अच्छे से पहले प्रेस करके हम पैक कर लेंगे, फिर इसे हम इस तरह से डिप करके ब्रेड क्रम्ब में करेंगे इस तरह से हम। पूरा पैक कर लेंगे हम ब्रेड क्रम्ब में। इसी तरह से हम ब्रेड को सारे ब्रेड को हम इसी तरह से मैदे में और ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह से हम सारे चिकन ब्रेड को बना लेंगे। और अगर आप अंडे में डीप करना चाहे तो आप अंडे में भी डीप करके आप ब्रेड क्रम्ब में डीप कर बना सकते हो। मैंने मैदे में डीप करी हूँ, आप अंडे में भी कर सकते हो। अभी हम चिकन चीज ब्रेड को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर ली हूँ। तेल अभी हमारा गरम नहीं हुआ, तेल थोड़ा गरम होने देंगे। अभी हम उसमें फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो पे फ्राई करना है हमें। पहले एक तरफ से हम गोल्डन होने देंगे, उसके बाद हम पलटी करेंगे इसे। अच्छे से हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। आप लोग जरूर ट्राई करें, बावर्ची की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है। चिकन चीज ब्रेड तैयार है। ऐसे ही हम सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे फ्राई करके। चीज चिकन ब्रेड तैयार है। आप लोग जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।